आदि अनादि अनंत अपार, मुझ में व्यक्त सकल संसार, मुझ में व्यक्त सकल संसार। जटा गंग गल मुंड कपाल, जटा गंग गल मुंड कपाल, घोर घोरी महाकाल, सकल भुवन त्रिलोक प्रकाश, नित्य चिरंतन नगरी राजा, विश्वनाथ हूँ मसान वासी, मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी, मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी। चिर प्रकाश का नूतन विस्तार, आलोकित भया संसार, इस वैभव का देख प्रसाद, करे विरोही हाहा तुच्छ असुर धर्म विरोधी अज्ञानी सत्य विरोधी। सनातन पर प्रहार हुआ, कुछ पल को अंधकार हुआ, त्रिलोकों से उठी हुंकार, तोहरे भक्तों की यही पुकार, जागा जागा हे मसान वासी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी। तिर में एक हृदय में जागा, नव सृजन फिर करने लागा, सत्य का फिर परचम लहराया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया। काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी। काशी का सबसे प्रमुख केंद्र है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं। 12वीं शताब्दी में जब सनातन संस्कृति का सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब सर्वप्रथम कुछ आततायियों की कुदृष्टि काशी पर पड़ी और काल के वज्र को स्वयं महाकाल को भी झेलना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्योति को अखंड बनाए रखा, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने, जिन्होंने 1777 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठित बाबा विश्वनाथ पुनः पूरे विश्व से अपने भक्तों को आकर्षित करने लगे। समय के साथ श्रद्धालुओं के जन सैलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पड़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में छिपते चले गए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भक्तों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए, तो इस क्षेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने वक्तव्य में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने परिश्रम की पराकाष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति से काशी के सर्वांगीण सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की अभूतपूर्व यात्रा प्रारंभ की। प्राचीन काल में माँ गंगा से जल भरकर सीधे बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने की परंपरा थी, जो कालांतर में अनियोजित निर्माण के कारण अवरुद्ध हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को
पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हुए माँ गंगा को बाबा काशी विश्वनाथ से पुनः मिलाने का संकल्प लिया। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। जब ये सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब ये मुझे समझाया तो एक कागज निकाल के उन्होंने अपनी पेन से पहले ड्राइंग बनाया। बोले गंगा से होते हुए चढ़ के पिलग्रिम्स ऊपर आ सके और ऐसे बनाना है कि उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। परंतु सामने थी चुनौतियों की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था 1000 से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानांतरण के लिए सम्मान पूर्वक सहमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी के बीच जर्जर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्माण कराना। ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजना को अवरोधों और मुकदमों से मुक्त रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने संवाद और समन्वय का अद्भुत मंत्र दिया। उनकी इस दूरदृष्टि से बाबा का धाम तेजी से अपनी पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने जीवन में एक बार काशी और माँ गंगा के दर्शन और स्नान करने का अवसर न अपने मन में समेटे हुए हो। उस प्रकार की सुविधा देना, उस प्रकार का स्वरूप भी देना, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ही संभव हो पाया है। इस जटिल परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में पग पग पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। उनके मार्गदर्शन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया। कोरोना काल में भी वे कार्य की प्रगति का ऑनलाइन अवलोकन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चय अटल था और बाबा विश्वनाथ पर विश्वास अडिग। काशी आते हैं उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा, हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पूर्ण रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन पुनः संभव हो गया है। इस भगीरथ प्रयास की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि गत 4 वर्षों की इस पूरी अवधि में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए और इस प्रक्रिया में
जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भव्यता और सुंदरता को और भी समृद्ध कर दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम काशी की अविनाशी परंपरा में नव चेतना का संचार करता है। भारत के इतिहास की इस प्राचीन पुस्तक में समस्त त्रासदियों के बाद अब जाकर एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके नए स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं तो आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक उत्सव के साक्षी बने और महान सनातन संस्कृति की दिव्य प्रभा से पूरे विश्व को आलोकित करें। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहं शिवोहं चिदानंद शिवोहम शिवोहम।